हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6:51 हो रहे हैं, इनकी 7 बजने वाले हैं। और आज बच्चे जाएंगे स्कूल में बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से 8-10 दिन से इनकी छुट्टियां पड़ी हुई है। कुछ तो होली की कुछ पेपर चल रहे, और जी हनी उठ के जा लिया अपने बड़े काम पर और हार्ड फिर लगा इतना। और ये देखिए लक्ष्य दुबका पड़ा, इसने दूध भी पी लिया है और फिर भी उठ नहीं रहा, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्कूल में जागा ना। और बहुत दिनों के बाद जब स्कूल जाता है इसका यही ड्रामा चलता है उठने में। मैं इसे कैरी बिट्टा तैयार हो ला, लेकिन कम्बल में मुंह दुबका के पड़ा हुआ है, तो बहुत लेट उठेगा ही, मुझे ही उठाना पड़ेगा राजी करके। तो बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं और इनका मैंने नाश्ता पानी बना दिया है। आज इनके लंच में मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे और दही अचार दे दूंगी, और क्योंकि सुबह इतनी जल्दी सब्जी तो बन नहीं पाती। वैसे सर्दियों में चल जाता था कि शाम की सब्जी दे देते थे, लेकिन अभी गर्मी आ गई है तो शाम की सब्जी नुकसान देगी, इसलिए मैंने मेथी के पराठे सेक दिए थे इनके। तो जी गाइस, चलिए इन्हें रेडी करके पहले स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि लेट हो लग रहा। 8 बजे का स्कूल है, 6:45 बजे तक ये लक्षित हनी तो उठ के कोलगेट वगैरह करके नीचे गया अभी, तो वो तो खुद हो लेते यार, मुझे ही सही करना पड़ेगा इस। और आगे का रूटीन मैं फिर शेयर करती हूँ, पहले इन्हें स्कूल भेज देती हूँ। तो गाइस बच्चे चल दिए स्कूल में, लक्ष्य टाटा करो, बाय। गाइस कपड़े सारे धुल गए हैं, यहाँ देखो लक्षित गुचकी मार रहा, आते ही से गर्मी लग रही थी, नहाना शुरू कर दिया। टप में पूरी मस्ती करे, पानी में पानी बजा के पूरा पूरा खाना बन ए कान बंद हो गया अभी ना क्या करूं। और मैं आज मेरे डिलीवरी आया था और मैं उसे खोलूंगा, अभी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा इसकी। गाइस मैंने आरसीबी की टी शर्ट ऑर्डर करी थी, गाइस अभी मम्मी अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये गाना भी चाहिए हैं, ये को तो कर लो, खोल दूंगा फिर से निकाल के। सो गाइस ये रही टी शर्ट, ये लो अभी तो खोल भाई। सो गाइस आप देख सकते हो, अभी मैं इन्हें फिर इसे पहन के दिखाऊंगा आपको। गाइस रियल विराट की मंगाई, विराट लिख रहा, विराट कोहली की गाइस 80 नंबर तो लिया उड़ा उतार पहन के दिखा सा। देख सकते हो गाइस विराट की है ये गाइस, और गाइस पैंट भी पहन लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, और दोपहर के लंच में बनाऊंगी मैं आज मेथी के परांठे और टमाटर और प्याज का रायता। तो आज आपको दिखाते हैं अपना स्पेशल लंच।
तो गाइज हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। इसी स्टेज पर हम इसमें अपनी जो दही है हमने भिगो ली थी, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दही का ही रायता बनाऊंगी मैं, तो अभी वो दही डाल देंगे इसमें नीचे उतार कर, क्योंकि ऊपर आँच पर रख के डालेंगे तो वो फट जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी दही अपना इस छोंक में हम डाल देंगे। तो ये हमारा प्याज और टमाटर का रायता बनकर बहुत टेस्टी तैयार हो गया है और वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेथी के पराठों के साथ तो यही चलता है, ज़्यादातर मैं तो यही बनाती हूँ मेथी के पराठों के साथ रायता। तो आटा गूंथ रखा था तो अभी चलिए अपने पराठे भी बना लेते हैं मेथी के। तो थोड़ी देर पहले ही आटा गूंथ के रख देती हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब ढीला सा हो जाए, ज़्यादा कैड़े के फिर उतरते नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं पलोथन डाल लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। और लोई हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे, ज़्यादा बारीक पराठे नहीं बनाएंगे। नमक मिर्च और जो अजवाइन है आटे में मैंने मिला के रखी हुई है। तो चलिए बना लेते हैं अपने सिंपल तरीके से बिल्कुल पराठे। तो हम इसमें बीच में ऑयल लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे ये बिल्कुल खस्ता और करकरारे बनेंगे। तो चलिए नए डिज़ाइन से तैयार करते हैं आज पराठे। ऐसे डिज़ाइन के पराठे बनाने में लगता तो वक्त ही है, लेकिन चलिए आज मैं कुछ खास लंच बना रही हूँ तो उसमें स्पेशली अच्छे से पराठे बना लूँ, लेकिन आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कितना अच्छे से मिल गया है, क्योंकि आटा बिल्कुल पतला गूंथ रखा मैंने। सो थोड़ा सा हाथ से थपथपा के इसे फिर हम तवे पर डाल देंगे। और तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था तो अभी तवे को उलटते पलटते रहेंगे, इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे। जो एकदम ऑयल लगाते हैं तो पराठा नहीं फूलता है, इसलिए उलट पलट कर इस पर ऑयल लगाएं। तो अब देखिए कैसे फूल गया है हमारा पराठा। तो जी पराठा और हमारी जो रायते की रेसिपी है आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो गाइज़ देखिए हमारी थाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोपहर का लंच। ये हो गया हमारे मेथी के पराठे, थोड़ा सा देसी घी और यहाँ पे हमारा प्याज और टमाटर का रायता, और इसके साथ नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आ जाइए खा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड ऐसे ही खुश रहो मस्त रहो।